इस प्रोग्राम में आपके, आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त यार जो मिले हुए हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो क्या मैं उनसे एक दो लोगों से परिचय पूरा करा सकते हैं? तो पहले गणेश जी को मैं बुलाना चाहूँगा। भाई गणेश जी हैं क्या? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बड़े लंबे गणेश जी। गणेश जी आपके मित्र जी। हाँ विक्की जी। विक्की भाई ने आपकी बहुत तारीफ की कि आप कदम पर कदम उनका साथ देते। थोड़ा सा हम टोपी अगर ऐसे करते तो आपका चेहरा दिख जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। विक्की का ये कार्य, ये जो कर रहा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, कार्य तो बहुत अच्छा है, और कार्य नहीं, कार्य के साथ साथ विक्की जी भी बहुत अच्छे हैं, जो हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इंडस्ट्री को मतलब इतना कुछ दिए हैं। अब इंडस्ट्री को भी चाहिए कि इनका पूरा हर रूप से सपोर्ट करे। देखिए एज ए मित्र, मित्र जो होता है वो हर सुख दुख में साथी जी, होता जी, है जी। तो मैं चाहूँगा विक्की भाई थोड़ा इधर आ जाए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोग पूछने में जी। विक्की भाई की सबसे ऐसी बात जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए पहले उस सच वाली बात एकदम सामने, कैमरा के सामने झूठ नहीं बोलना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विक्की जी तो ऐसे हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि जो अच्छी ना हो। कुछ तो होगा ही। नहीं नहीं, ये भाई नहीं, देखो ये ऐसे नहीं नहीं, विक्की जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, और सुलझा हुआ धागा भी जो होता है बीच में कभी कभी बढ़ जाती है, कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा हम लोगों के बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझे लगा नहीं कि नहीं होगा। किसी के साथ तो होगा। नहीं नहीं, वो बहुत है, किसी के साथ ऐसा नहीं करते ना, वो उनके अंदर है, वो होता है ना कि लोगों के अंदर जो ये चीज़ें निगेटिविटी है, इनके अंदर कोई है ही नहीं, हमेशा ये पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव सोचते भी हैं। भैया पॉजिटिव लाइफ में हर कुछ होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, मालूम है क्या, बी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। बट ऐसा कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात कौन सी है? सबसे अच्छी बात वही है, ये अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है मेरे ही नहीं, ये जिसके साथ एक बार जुड़ते हैं वो सब इनका फैन ही हो जाता है, इनका दोस्त ही हो जाता है, क्योंकि ये किसी किसी से क्लाइंट या और किसी नजरिए नहीं देखते हैं, सबको अपने भाई और दोस्त के। क्या बहुत अच्छी बात है कि भाई, बड़ा अच्छा लगा यार सुन के आपके बारे में। तो हम लोग एक बार इस मंच का अवलोकन करें साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। ये जो हमारा तैयार मंच है, कल क्या होगा इस मंच पे, कैसी है लाइटिंग, और अभी जो काम चल रहा है साथ साथ, आइए आपको हम दिखाते हैं। आइए, कैसा लग रहा है इस इतना बड़ा मंच देख करके? क्या गोरखपुर में कभी ऐसा मंच लगा था क्या? सच बोले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं ही करा रहा हूँ क्या। मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं करा रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके पहले मैं कराता था तो खुद से ही स्टेज बनाते थे हम लोग, वो लगा के, मेज लगा के, सारी चीजें करके। अभी क्या कि सारे लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ही स्टेज है, मेरे ही कार्यक्रम का। तो अभी तक जितना कार्य हुआ है, इसको देख करके जो आपके दोस्त यार हैं, आपके मिलने वाले काफी परिवार के लोग आए हुए हैं, उनकी क्या रिएक्शन है? वो लोग बहुत खुश हैं, उन लोग को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा होने वाला है ना? जैसे ये था कि इतने सारे कलाकार आ रहे हैं, लेकिन उन कलाकारों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, मतलब उनको ये नहीं हो रहा था कि इतना कर सकता है। अच्छा। क्योंकि मेरा प्लानिंग हम लोग के ग्रुप में था, फैमिली के बीच में था नहीं कि क्या क्या करने वाले, थोड़ा बहुत ऊपर का प्लानिंग था, लेकिन अंदर की प्लानिंग तो जो हमारी टीम में है, जितने ऑफिस में काम करने वाले उनके पास था, लेकिन जब यहाँ के लोगों के पास आया तो मतलब बहुत खुश हैं लोग। कि भाई एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और बाकी हमारे जो टेक्नीशियन है वो भी बोल रहे हैं सर जल्दी छोड़िए, बाकी काम खत्म करना है, जाते जाते एक सवाल, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, तो जैसे और भी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, तो उनको वैल्यू मिलता है हर जगह, चाहे वो छोटा फैमिली हो या बड़ा फैमिली है। अभी भोजपुरी कलाकार हमारे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैमिली में नहीं पहुँच पा रहे हैं, कि जैसे होता है कि पहले का जो मानसिकता बन गया, पहले का नहीं, पहले तो बहुत अच्छा भोजपुरी था, बीच में जो बहुत सारे सिंगर आके सस्ता वीडियो बनाना, अश्लील गाना गाना, तो उसके वजह से वो लोग बोले कि हमको भोजपुरी देखना नहीं है, भोजपुरी का नाम लेने पे कोई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। मेरा यही है कि उन लोगों के बीच तक हमको पहुँचना है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं विक्की भाई आपको। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, लेकिन इंतज़ार रहेगा कल आपके साथ दोबारा जुड़ने का, क्योंकि यहाँ होने वाला है गोरखपुर की धरती पे एक बहुत बड़ा धमाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल मिलते हैं फिर एक जबरदस्त प्रोग्राम के साथ।
प्लैनेट भोजपुरी।